पहली बार मैं हॉरर जॉनर एक्सप्लोर कर रही हूँ और मैंने उसमें काम किया है। कि यही होता है एक टीवी एक्टर के साथ, यही होता है कि उनको एक अलग नजर से देखा जाता है कि उन लोग सिर्फ टीवी के लिए बिलोंग करते हैं या सिर्फ टीवी कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही कुछ करने वाली हूँ। आई डोंट थिंक कि आई विल मेक एनीथिंग पब्लिक बिफोर गेटिंग मैरिड। शादी के बाद पिक्चर्स बाहर आएंगे या तो शादी के दौरान? थे आपका ना भारत टाइम्स ऑनलाइन में, मैं हूँ कनिका और हमारे साथ है टीवी की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस एरिका फर्नांडेस, जो थोड़े टाइम से टीवी से स्क्रीन से दूर जरूर है, लेकिन हम जानते हैं कि एरिका क्या क्या कर रही है फाइनली। तो एरिका अभी क्या चल रहा है पर्सनल लाइफ में, क्या कुछ कर रहे हो आप, ज्यादा बिजी हो या फिर किसी अलग चीज में टाइम दे रहे हैं? मल्टीपल चीजें चल रही है साथ में एंड आई एम ट्राइंग टू बैलेंस आउट टू थ्री थिंग्स एट द सेम टाइम। तो आई फर्स्ट थिंग आई वांट टू लाइक टू स्पीक अबाउट माय प्रोजेक्ट व्हिच इज रिलीजिंग ऑन द 21st ऑन अमेज़न मिनी टीवी एंड दैट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट दैट आई हैव टेकन अप एंड डन। तो बहुत अलग अंदाज में मुझे देखा जाएगा उसमें, क्योंकि पहली बार मैं हॉरर जॉनर एक्सप्लोर कर रही हूँ और मैंने उसमें काम किया है। दूसरा ये है कि आई हैव नाउ ऑल्सो टर्न्ड अ प्रोड्यूसर। तो चीज़ें यहाँ पे भी बिजी हो रहे हैं इन दुबई, बिकॉज देर आर कपल ऑफ थिंग्स आर वी आर वर्किंग ऑन एंड वी आर डूइंग इन बिकॉज माई कंपनी इज अ दुबई बेस्ड कंपनी एंड नॉट ओनली दैट आई एम वर्किंग इन दुबई बट दोनों तरफ से काम हो रहे हैं इंडिया में एंड दुबई में एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम गेटिंग टू सी बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एक एक्टर होने का क्या लाइफ होता है और एक गेटिंग इन टू द बिजनेस वर्ल्ड। तो दोनों तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। एरिका, बिजनेस आपने प्रोडक्शन को भी रिलेट किया या बिजनेस मतलब कुछ अलग है जो आप कर रही है, वो क्या है, किस बारे में है वो बताएं। नहीं तो प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मेरा जो कंपनी है वो सब कुछ करता है, राइट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग फिल्म्स टू टीवी सीरीज ऑल ऑफ दोस थिंग्स, देन इवन इवेंट मैनेजमेंट और हैविंग इट्स एवरीथिंग अंडर वन रूफ। तो सब कुछ करते हैं हम लोग। इट्स नॉट दैट इट्स ओनली लिमिटेड टू प्रोड्यूसिंग फिल्म्स और प्रोड्यूसिंग शॉर्ट फिल्म्स और टीवी कॉन्टेंट म्यूजिक वीडियोज। इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स एवरीथिंग अंडर वन रूफ that I've planned on doing because I don't like limiting myself to just doing one thing. I like exploring different fields and I want to see where I can take myself and push myself to grow in a better way. एरिका, टीवी पे आप बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, आपके कुछ शोज बहुत फेमस थे, तो अभी टीवी पे आने का कुछ सोचा है आपने, दोबारा कोई कमबैक हम देख सकते हैं या फिर अभी ओटीटी वगैरह में ही होगा? तो ये पहले भी कहा है कि मैं ये नहीं देखती कि प्रोजेक्ट टीवी पे है कि ओटीटी पे है या फिल्म है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स मोस्टली अबाउट कि क्या मुझे अलग करने मिलेगा, कहाँ पे मुझे अलग करने मिलेगा कुछ एज अ परफॉर्मर। मुझे एक खुद को एक चैलेंज देना है कि मैं कुछ अलग करके दिखा सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी सीन इन द सेम लाइट जहाँ मैं टीवी पे मैं वही चीजें प्ले करती आई हूँ, लाइक यू नो बीइंग द बहू, बीइंग दैट डॉटर, बीइंग दैट वो सारी चीजें मैं कर चुकी हूँ। लोगों ने मुझे वैसे देखा है, लेकिन एक अलग अंदाज में तब देखेंगे जब मैं कुछ अलग करूंगी या कोई अलग प्रोजेक्ट लूंगी। सो अगर मुझे टीवी में ऐसा कुछ मिलेगा तो जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। तो ठीक है, अलग चीजों को मतलब बेसिकली कर रहे हो, लाइमलाइट से अभी थोड़ा सा आप थोड़ा सा अलग अलग हो एरिका, ज्यादा स्पॉट नहीं हो, पहले बहुत एरिका स्पॉट होती थी, तो अभी वो दुबई जाने की वजह से हुआ या फिर आना जाना चल रहा है इंडिया में या फिर किस किस तरीके से है? मोस्टली अभी मैं जो ट्रैवल करती हूँ तो मैं बहुत कम बॉम्बे में भी आती हूँ। जब भी आती हूँ तो सिर्फ मैं अपने शूट्स करने के लिए आती हूँ और यूजुअली इट्स स्कैटर्ड, कभी चंडीगढ़ होता है, कभी कहीं और होता है, कभी कहीं और होता है, क्योंकि इट्स नॉट मेनली अभी सिर्फ बॉम्बे में नहीं शूट होता है, आउटडोर भी शूट्स होते हैं काफ़ी सारे। तो मैं यूजुअली जब ट्रैवल करती हूँ तो बहुत कम बॉम्बे में आना होता है, जब भी आती हूँ तब एक दो दिन के लिए ही आती हूँ।
और हाँ मोस्टली तो यहाँ मैं दुबई में रहती हूँ, यहाँ पे भी मेरा काम है, तो दोनों को बैलेंस करना मुझे पड़ता है, इसीलिए व्हेनेवर आई कैन मेक टाइम मैं आती रहती हूँ। मैंने कहा वहां दुबई में किसके साथ, मतलब अकेले आप रह रहे हो या फैमिली में भी कोई रह रहा है साथ में, कोई है वहां पे? अच्छा यहाँ पे फैमिली है यहाँ पे, और मैं अकेली तो नहीं रह रही हूँ, मेरी फ्रेंड रहती है मेरे साथ, उसका बेटा रहता है, मेरा भाई भी है यहाँ पे, मेरी भाभी भी है, मेरे बहुत सारे कजिन्स भी है, तो वी हैव एंटायर लॉट ऑफ फैमिली। जी अभी एरिका किस तरह के ऑफर्स आ रहे हैं आपके पास काम को लेके, क्योंकि आपका जो रोल रहा है मोस्टली टीवी पे वो जैसे आपने जी बताया टिपिकल बहू और उस टाइप का रोल रहा है, तो अभी अगर ऑफर्स आते हैं तो मतलब क्या सोचते हैं लोग कि किस तरीके के ऑफर्स आ रहे हैं, या फिर उसी जोन में आपको फिट कर लिया है या क्या हो रहा है? जी यही होता है एक टीवी एक्टर के साथ, यही होता है कि उनको एक अलग नजर से देखा जाता है कि उन लोग सिर्फ टीवी के लिए बिलोंग करते हैं या सिर्फ टीवी कर सकते हैं। लेकिन जब वो एक मौका मिलता है, जैसे मुझे अब मिला है, और स्क्रिप्ट भी ऐसा था कि आई डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस, जब स्क्रिप्ट आता है और अगर मुझे ऐसे कुछ सीन्स होते हैं जो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ करने में, तो मैं डिस्कस करती हूँ आगे प्रोडक्शन सॉरी क्रिएटिव हेड के साथ, या जो भी क्रिएटिव डिपार्टमेंट का हेड होता है उनके साथ डिस्कस करती हूँ, डायरेक्टर के साथ डिस्कस करती हूँ, अगर कुछ चेंज हो सकता है तो चीज़ें आगे बढ़ती है वरना नहीं बढ़ती। और अमेजोन अभी ये जो द हॉन्टिंग है उसमें आई एम टेलिंग यू, हॉरर इज नॉट अ जॉनर विच आई हैव एक्सप्लोर्ड बिफोर एंड आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ, तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव गॉटन इन टू दिस, एंड इट हैज बीन अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एन एक्सपीरियंस ओवरऑल इन शूटिंग। तो अब जब लोग मुझे देखेंगे, मुझे अलग अंदाज में देखेंगे, तो अलग लाइट में देखेंगे, और मुझे ऐसे नहीं देखेंगे कि ये बहू प्ले करती थी। तो जब मुझे ऐसे देखेंगे तो आई एम श्योर देयर बी अ लॉट मोर दैट दे वुड लाइक टू सी मी इन डिफरेंट रोल्स। एरिका आप रियल लाइफ में कैसे हो, मतलब जिस एरिका को हम जानते हैं बहुत ही सॉरी जिस एक्ट्रेस एज एन एक्ट्रेस जब भी हम आपने आपको देखा है तो बिल्कुल सीधी सिंपल सी उस तरीके की रोल्स आपने पोर्ट्रे किए हैं, तो होता है ना लोगों को फैंस को लेके एक बन जाता है दिमाग में कि वो बहुत पसंद करने लगते हैं तो रियल मैं लाइफ में कैसे हो आप? आई ऑल्सो प्रिफर सिंपल लाइफ, नॉट वेरी सिंपल, अ लिटिल बिट हियर एंड देयर लोगों के शौक तो होते ही रहते हैं, लेकिन बट आई एम अ वेरी होमली पर्सन, आई एम नॉट द वन हु इज लाइक अ पार्टी एनिमल और समथिंग, मैं अपना काम और घर दोनों लेकर चलती हूँ साथ। का आने वाले प्रोजेक्ट्स तो आपने बता दिए हैं, ऐसा टीवी में आपने बहुत टाइम तक काम किया है, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस कोई वर्स्ट फेज जिससे आप गुजरे हो वो टाइम आपको याद करके थोड़ा अजीब लगता है या फिर लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था इस पूरे फेज में, तो ऐसा कोई कोई सिचुएशन या कोई टाइम फेज? आई डोंट थिंक देर वॉज एनी फेज लाइक दैट, बट अगर आप मुझे कुछ याद करने के लिए कह रहे हो तो देर वॉज दिस कोविड फेज विच यू नो ऑल ऑफ अस वर स्केयर्ड, हम लोग सब डरे हुए थे कि क्या होगा, हम लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, और जब मैं घर पे घर से शूट करके चीजें दे रही थी, तो हम अपने अपने घरों में शूट करके आगे एपिसोड्स को बढ़ा रहे थे, तो दैट इज वन थिंग दैट यू नो आई रिमेम्बर कि हमने सब कुछ किया है टीवी में ताकि यू नो आर फैंस एंड फॉलोअर्स एंड व्यूअर्स स्टे एंटरटेन्ड इवन इन टफ टाइम्स, सो दोज आर द थिंग्स दैट वी गो थ्रू एज एक्टर्स, एज एन एंटायर टीम, नॉट ओनली जस्ट एक्टर्स, एंटायर टीम गोज थ्रू इट। का सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हो बहुत, आपकी प्रोफाइल भी बहुत हाँ अलग सी है थोड़ी मैंने आपकी जो इंस्टा देखा है काफी हाँ अलग सा दिखता है, फैशन के मामले में हाँ हमेशा आप आगे रहते हो, हमेशा आप चर्चे में रहते हो, तो फैशन इंस्पिरेशन आपका कोई ऐसे पर्सनली आप किसी किसी से इंस्पायर होते हो या फिर खुद ही सारी चीजें करते हो? सी इंस्पिरेशंस तो ऑब्वियसली हम लोग लेते रहते हैं, वी जस्ट सी समटाइम्स आई जस्ट लुक एट आउटफिट्स एंड आई थिंक कि ये दोनों अच्छे लग सकते हैं साथ में, लेकिन मुझ पे अगर मैं ये पहनूंगी तो एक और कुछ एलिमेंट ऐड करूंगी, या कुछ ऐसे चीजें होते हैं, बट इट इज यूजली इम्प्रॉम्प्टू और इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ
अ फ्यू पीपल दैट आई फॉलो इन फैशन सेंस, वन इज केंडल एंड देयर इज जीजी हदीद, इवन सोनम कपूर फॉर दैट मैटर हैज वेरी गुड फैशन सेंस। एरिका, आप पर्सनल लाइफ को लेके हमेशा मतलब आप दूर रहते हो, बहुत इतना ज्यादा बात नहीं करते, तो मतलब ऐसा क्यों है? जहाँ जी पे बहुत सारे एक्टर्स मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में काफी ज्यादा बातें करते हैं, आप बहुत ही कम बात करते हो, स्पेशली या वो कोई अफेयर की बात हो, बॉयफ्रेंड हो या फिर कुछ भी पर्सनली, तो आप इतना ज्यादा शेयर नहीं करते, तो मतलब इसका क्या रीजन है, इतना क्यों ऐसे? मुझे लगता है कि कुछ चीजें खुद के लिए होते हैं और कुछ चीजें शेयर करने के लिए होते हैं। सो जस्ट बिकॉज हम लोग पर्सनल फिगर्स हैं, इसका ये नहीं मतलब है कि हर चीज अपने लाइफ से हम लोग पब्लिक कर दे। एंड ऐसा भी होता है कि सी आई एम अ लिटिल सुपरस्टिशियस अबाउट थिंग्स, नजर बहुत लगती है और आप नहीं चाहते हो कि अपने अपने जो प्यारे चीजें होते हैं उस पर नजर लगे। तो दैट इज वाई आई डोंट टॉक टू मच अबाउट दीज थिंग्स। एंड आई अगर आप देखो तो मेरे जो क्लोज लोग होते हैं उनकी तस्वीरें कभी मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा डालती भी नहीं। यही मेरा इज मुद्दा जस्ट दैट था कि इतना क्या पर्सनल, मतलब किससे, एरिका थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है पता करने में कि एरिका रियल लाइफ में कैसी है, क्योंकि मोस्टली हम स्क्रीन पे देखते हैं आप लोगों को एज एन एक्टर, तो थोड़ा सा शायद कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है फैंस के, मतलब आपको क्या लगता है इस पे? जी नो, इट्स नॉट अबाउट द पर्सनल लाइफ, इट्स अबाउट नोइंग अ पर्सन। और जितना हो सके मैं अपने अपने बारे में चीजें बताती हूँ जितना इट इज नीडेड, और जितना मैं शेयर करना चाहती हूँ उससे ज्यादा। यू नो व्हेन देयर इज अ मिस्ट्री दैट्स व्हेन यू वांट टू नो द पर्सन इवन मोर। अगर आप ज्यादा कुछ डाल देते हो तो नो वन वॉन्ट्स टू रियली, देयर इज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट यू एंड देयर इज नथिंग स्पेशल टू गिव आउट टू पीपल। यू ऑलरेडी नो टू मच अबाउट दैट पर्सन, नो वन केयर्स रियली देन। अमेरिका फिल्मों में या फिर टीवी इंडस्ट्री दोनों में आजकल ये चीज है कि बहुत ही अचानक से यू नो कपल्स डेटिंग हो या कुछ भी, बहुत अचानक से अपनी शादी की अनाउंसमेंट करता है, तो मतलब इससे आप कैसे सोचते हो या फिर इसे आप कैसे देखते हो, या आपका क्या प्लान है शादी वगैरह को लेके, अभी क्या चल रहा है कि आप भी ऐसे अचानक से कुछ चौंकाने वाले हो आने वाले टाइम में? शायद मैं भी ऐसे ही कुछ करने वाली हूँ। आई आई डोंट थिंक कि आई विल मेक एनीथिंग पब्लिक बिफोर गेटिंग मैरिड। बड़ा फैसला सो या अल्टीमेटली प्रोबेबली आई डोंट नो, जब भी होना होगा होगा, एंड व्हेन इट हैज टू हैपन या तो शादी के बाद पिक्चर्स बाहर आएंगे या तो शादी के दौरान।